नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पैराकुट्टी की सानी कैसे बनाते हैं। ऐसी सानी बनाना बताऊंगा जिससे कि पैराकुट्टी खाकर भी बकरियाँ काफ़ी मोटी तंदुरुस्त आप लोग कर सकते हो। कई जगह पे ऐसा होता है कि भूसा अवेलेबल नहीं होता है, दलहनी भूसा नहीं होता है, तो वहाँ पर लोग पैराकुट्टी कैसे खिलाएंगे, कैसे आप बेटर बकरियां तैयार कर सकते हो सिर्फ पैराकुट्टी खिलाकर, उसको कैसे आप न्यूट्रिशियन से भर सकते हो, न्यूट्रिशियन वैल्यू कैसे बढ़ाओगे। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि जो पैराकुट्टी हो गया, भूसा हो गया गेहूं का, इनमें क्या है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 3% होती है। और जब इस तरह का भूसा हम बकरियों को खिलाते हैं तो बकरियों की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। यदि बकरियों की आप लोग ग्रोथ करना चाहते हो, पैराकुट्टी खिलाकर करना चाहते हो, तो बिल्कुल आज का जो वीडियो है वह सिर्फ आपके लिए है। आप अच्छी तरह से अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे। जैसा मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये सारा जो है पैराकुट्टी ही भरा हुआ है, पैराकुट्टी है, साथ में कुछ गेहूं का भूसा है। क्योंकि मैं गेहूं का भूसा भी उसमें थोड़ा बहुत मिक्स करने वाला हूं। सिर्फ पैराकुट्टी खिलाकर बकरियां खाती नहीं है इस तरह का चारा कि सिर्फ पैराकुट्टी बना दें। तो अब आप यहां पर करेंगे क्या, यदि आपके पास गेहूं की भूसे की बिल्कुल उपलब्धता नहीं है, सिर्फ पैराकुट्टी है, तो आपको करना ये है कि आपको कुछ मुलायम हरे चारे लगाने हैं, जैसे बरसीम हो गया, रिजिका हो गया, या जो छोटी छोटी सी घासें आती है, नेपियर हो गया, इस तरह की घास को आपको लगाना है, उसकी कटिंग करनी है। चोपर मशीन से आप कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे पीस बनाने हैं, इसके बाद उसकी सानी बनानी है। सानी बेटर जो है बकरियां खा लेंगी, लेकिन अब इसमें ऐड क्या क्या करना है सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको लेना है सरसों की खली, ठीक है, और कोई भी खली यूज नहीं करना है। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, और सर्दियों के मौसम में यदि आप बकरियों को सरसों की खली देंगे, उनकी चमक देखेंगे, उनकी ग्रोथ देखेंगे। और सभी बकरियों को देना है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ये रहता है कि क्या सर गाभिन बकरियों को खिलाया जा सकता है, तो सबको खिलाया जा सकता है, बस सिर्फ उन बकरियों को नहीं देना है जो हाल ही में 1-2 दिन पहले क्रॉस हुई हैं। आपको लगभग 10 दिन जो पहले बकरी क्रॉस हुई है उनको सबको खिलाया जा सकता है। तो मैं सब आपको दिखाता हूँ, सरसों की जो खली है वो आपको शाम को फुलाना है, लेकिन अभी मैंने सुबह घंटे 1.5 घंटे पहले ही फुलाई है। यदि आप शाम को भूल जाते हैं, नहीं फुला पाते हैं, तो घंटा भर पहले, घंटा या 1.5 घंटा पहले आप फुला देंगे, सरसों की खली अच्छी तरह से फूल जाती है। और उसमें मिलाना क्या क्या है ये आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है पैराकुट्टी, और जिससे धान होते हैं उसी का ये पैरा है। इसकी कटिंग कराई गई है, मशीन से कटिंग करवा लेते हैं, इसी को बोलते हैं पैराकुट्टी। तो आप लोग देख सकते हो, अब जो खली है इसमें अच्छी तरह से मिल गई है, और ये पैराकुट्टी और थोड़ा सा भूसा है।
तो अब दोस्तों हमने लिया है एक गेहूं का आटा, ये लिया है चने की चूरी, ये चना छिलका नहीं है, चने की चूरी है। इसमें आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से टुकड़ी है चने की। तो दोस्तों देख सकते हो अब ये हमारी सानी बनकर तैयार है, और इस तरह का थोड़ा थोड़ा सा आटा जो है दिखना चाहिए। आप इसमें चाहे गेहूं का आटा यूज कीजिए, जौ का आटा यूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो बकरियां कितना चाव से खा रही हैं इस तरह की सानी, और मैं पर डे इस समय खिला रहा हूँ, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, यदि आपके उधर भूसे की या पैराकुट्टी की अधिकता है तो इस तरह से न्यूट्रिशन ऐड करके आप अच्छी ग्रोथ की, अच्छे मेमने देने वाली और अच्छी चमक वाली बकरियाँ भी तैयार कर सकते हो। तो सरसों की खली बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और इस समय तो जाड़े का मौसम है, एक बार दे के देखिएगा और फिर बताइएगा कितना गजब का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बता दी है। चूँकि भूसे में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, चूँकि जो भी कीटाणु या जीवाणु जो होते हैं, जो भोजन को पचाते हैं, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जब प्रोटीन सही से मिलेगा तो जानवर स्वस्थ रहेगा, और पचाने वाले जो कीटाणु हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे, जिससे आपकी बकरी की ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य ग्रुपों पर शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।